देखिए आज की ताजा खबर। लगता है सलमान की आने वाली फिल्म को मिल गया है पापा सलीम खान का साथ। वेल, ट्यूबलाइट को रिलीज होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में हर ट्रेड एनालिस्ट इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की दौड़ के बारे में भविष्यवाणी करने में बिजी है, पर सलमान खान के पिता सलीम खान इस फिल्म के बारे में कुछ और ही राय रखते हैं। जी हाँ, सलीम जी की माने तो ट्यूबलाइट में वो सारे इंग्रीडियंट्स हैं जो एक फिल्म को हिट बना सकते हैं। वैसे तो इस फिल्म में भाईचारा, रोमांस और दोस्ती सब कुछ शामिल है, जो आपको एक पल में हंसा सकते हैं तो वहीं दूसरे पल में रुला भी सकते हैं। और इन सब के साथ सलीम जी का ये कॉम्प्लीमेंट तो जैसे हम सबकी बेसब्री को और भी बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें बताना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाइक के साथ। सलमान खान की ट्यूबलाइट को मिले ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स। अब बॉक्स ऑफिस पर होगा सिर्फ और सिर्फ ट्यूबलाइट का ही जलवा। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ट्यूबलाइट को मिले हैं 4,800 स्क्रीन्स। क्यों उड़ गए ना होश? वेल, ये तो सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस के लिए है। सिंगल स्क्रीन्स को मिनिमम 2 हफ्तों के लिए बुक किया गया है। मतलब कुल मिलाकर ट्यूबलाइट को इंडिया में 85% ऑक्यूपेंसी मिलने वाली है। एक तो सलमान की फिल्म, ऊपर से ईद रिलीज, और उसके बाद 85% स्क्रीन्स पर इसको रिलीज किया जाएगा। ये तो मतलब सोने पर सुहागा हो गया। आपको बता दें, कबीर खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म 23 जून यानी इस ईद बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस फिल्म के लिए उतना ही एक्साइटेड हैं जितना कि हम? वेल, इस बारे में हमें अपने सुझाव ज़रूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान और शाहरुख खान के बीच चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो, पर उनके फैन क्लब्स में कोई राइवलरी नहीं है। गए वो दिन जब इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ साथ उनके फैंस भी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। वेल, हाल ही में सलमान खान के फैंस, जो कि बीइंग इक्वालिटी मल्टीपर्पज सोसाइटी का हिस्सा है, उन्होंने SRK फैन क्लब नागपुर से शाहरुख के सभी फैंस को ट्यूबलाइट की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए इन्वाइट किया है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी SRK फैन क्लब ने सलमान खान फैंस को दिलवाले की स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट किया था। बीइंग इक्वालिटी मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम के इस NGO ने समाज की भलाई में कई अच्छे काम किए हैं। इस NGO ने स्वच्छ भारत अभियान और ब्लड डोनेशन कैंप्स जैसे कई नेकी में अपना हाथ भी बटाया है। इन्होंने तो आर्मी ऑफिसर्स के लिए ट्यूबलाइट की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी है, और अब इन सलमेनियक्स ने SRKINs के लिए इस स्क्रीनिंग को अरेंज करके एक बहुत ही स्वीट जेस्चर दिखाया है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में राय हमें बताइएगा जरूर, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कबीर खान की ट्यूबलाइट 1962 के इंडो साइनो वॉर पर आधारित है। इस फिल्म में सलमान खान की एक ऐसे शख्स के किरदार में दिखाई देंगे जिन्हें चीजें समझने में थोड़ी देर लगती है, इसीलिए लोग उन्हें प्यार से ट्यूबलाइट कह के बुलाते हैं। चाइना से भारत के इसी युद्ध के दौरान उनके भाई, जो कि आर्मी में है, जिस किरदार को पर्दे पर सलमान के रियल लाइफ भाई सोहेल खान ने निभाया है, वो कहीं खो जाते हैं और उन्हें ढूंढने सलमान निकल पड़ते हैं। इनके अलावा इस फिल्म में चाइनीज एक्ट्रेस जूजू, ओमपुरी और मैटिन रेटांगू मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान का भी एक इम्पोर्टेंट कैमियो होगा। ट्यूबलाइट, जो कि 23 जून को रिलीज के लिए तैयार है, ये सलमान खान और कबीर खान का थर्ड कोलैबोरेशन होगा। इससे पहले ये एक्टर डायरेक्टर डुओ एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसे बॉक्स ऑफिस हिट्स दे चुके हैं। और जबकि इस बार बॉक्स ऑफिस पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ऐसे में आशा की जा रही है कि ट्यूबलाइट भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेरने में कामयाब होगी। हालांकि इस बार ट्यूबलाइट को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है दूसरे रिलीजेस से नहीं, बल्कि आमिर खान की दंगल और प्रभास स्टारर बाहुबली से। तो क्या आप इस ईद ट्यूबलाइट देखने जा रहे हैं? बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना हाल ही में एक रेस्टोरेंट के लॉन्च पर दिखाई दिए, जहां सुहाना एक टैंजरीन बॉडी हगिंग बैंडेज ड्रेस में बिल्कुल ग्लैम डॉल लग रही थी। आपको बता दें कि शाहरुख और सुहाना अर्थ रेस्टोरेंट के लॉन्च पर पहुंचे थे, जिसे गौरी खान ने डिजाइन किया है। खान खानदान की अगली शाइनिंग स्टार सुहाना इस दिन अपने पिता के साथ एक परफेक्ट होस्ट बनी इस इवेंट पर दिखाई दी। वे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पैपराजी उन्हें क्लिक करते नहीं थक रहे थे। पर क्या आप जानते हैं कि सुहाना की इस टैंजरीन बैंडेज ड्रेस की कीमत कितनी है? वेल, सूत्रों की माने तो इस ड्रेस की कीमत लगभग 50 से 60 हजार रुपए है।
वेल, सुहाना की तस्वीरें इन दिनों हर तरफ सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर अपने इस परफेक्ट फैशन सेंस से सुहाना ने सबके दिल की धड़कनों को चुरा लिया है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। सलमान खान की इस साल की ईद रिलीज ट्यूबलाइट बस और कुछ ही दिनों में रिलीज के लिए तैयार है। सलमान के फैन से लेकर इंडस्ट्री इनसाइडर्स तक हर कोई इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। इसीलिए हाल ही में इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने रखी एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां सलमान खान और उनकी पूरी फैमिली पहुंचे थे। पर हमारा ध्यान तो यहां मिस वैंटू ने ही खींचा। जी हाँ, इस दिन सलमान और उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वैंटूर एक साथ ट्यूबलाइट के स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे। जबकि यूलिया कार के बैक सीट में दिखी, वहीं सलमान फ्रंट सीट में दिखाई दिए। वेल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच कुछ पक रहा है, पर बिना आग के धुआं भी तो नहीं होता, है ना? तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशंस में काफी बिजी हैं। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने खोले कुछ ऐसे राज जिन्हें सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, सलमान ने बताया कि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से उन्हें कबीर खान की एक फिल्म भी छोड़नी पड़ी। सलमान ने इस बारे में बात करते हुए बताया, ट्यूबलाइट के अलावा कबीर खान एक और फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर मेरे पास आए थे, जिसे करने से मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वो एक बुजुर्ग आदमी का किरदार था, इसीलिए उसमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। दरअसल उस किरदार के लिए प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल करना पड़ता क्योंकि मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है और मेरी 87% नाक बंद है, इसीलिए मैंने वो फिल्म नहीं की। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। सलमान खान बी टाउन के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है, पर बॉक्स ऑफिस के इस सुल्तान की माने तो उनकी नजरों में सुपरस्टार कोई और ही है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर कौन है वो जिन्हें सलमान सुपरस्टार समझते हैं? वेल, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब सलमान खान की स्टारडम पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि आज आमिर, शाहरुख, अक्षय और यहाँ तक कि सलमान भी सुपरस्टार हैं। हालांकि ये सभी गिने चुने फिल्में करते हैं, पर हार्डवर्क से वो मैक्सिमम अमाउंट अर्न कर लेते हैं और जो भी ऐसा करता है वही सुपरस्टार है। पर जब सलमान से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि वे अक्षय से ज्यादा फिल्में नहीं कर सकते, जिसका जवाब देते हुए सलमान ने कहा, एक टाइम पर वे भी ऐसा करते थे, पर आज जब उन्हें एक फिल्म के लिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तब वे कम फिल्में करते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान या तो एक या ज्यादा से ज्यादा दो बार हर साल बॉक्स ऑफिस पर आते हैं। पिछले साल की ही बात ले लीजिए, जब सलमान सिर्फ सुल्तान में ही दिखाई दिए थे, पर इस साल लोग उन्हें ट्यूबलाइट और टाइगर जिंदा है में दो बार बड़े पर्दे पर देख पाएंगे, क्योंकि सलमान गिनी चुनी फिल्में ही करते हैं, इसीलिए उनकी फिल्मों को लेकर लोगों में ऐसी ही एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। पर लगता है 2018 में वो अपनी फिल्मों की गिनती बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब सलमान से पूछा गया कि क्या उनकी फिल्में कम रिलीज होने के कारण उनके फैंस उनकी फिल्में रिलीज होते ही उन पर टूट पड़ते हैं, जिसके जवाब में सलमान ने कहा कि अगर हर दो महीने में अच्छी फिल्में आएंगी तो भी लोग ऐसे ही टूट पड़ेंगे। इस बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल वो 2.5 फिल्में करते हैं, इसीलिए वो 2018 तक इस आंकड़े को 3 तक ले जाना चाहते हैं। लगता है बातों ही बातों में सलमान ने ये इशारा कर दिया कि अगले साल उनकी 3 फिल्में रिलीज होंगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में राय हमें बताना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक्शन, फिर कॉमेडी और हाल फिलहाल के दिनों में एयरलिफ्ट और बेबी जैसी पेट्रियोटिक फिल्में करने के बाद अब अक्षय कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए हैं तैयार। अरे अरे, आप तो सच समझ बैठे। वेल, सूत्रों के अनुसार शायद अक्षय कुमार पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक में उनका किरदार निभा सकते हैं। जी हाँ,
एक दैनिक प्रमुख की माने तो ना ही परेश रावल और ना ही अनुपम खेर बल्कि अक्षय कुमार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में दिखाई देंगे। अक्षय कुमार की रीच और इम्पैक्ट को देखते हुए इस फिल्म के मेकर्स को लगता है कि अक्षय की प्रेजेंस ही इस फिल्म को और भी फार रीचिंग और प्रोडक्टिव बनाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? वेल, इस बारे में हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। कुछ ही महीने पहले की बात है जब शाहरुख अपनी शोल्डर सर्जरी के बाद काफी दर्द से जूझ रहे थे। इसी दौरान शाहरुख एक बार श्री योग में विजिट के लिए गए थे। हालांकि उनका कोई भी आसन करने का कोई प्लान नहीं था, पर जब उनके शोल्डर पेन के लिए कुछ पेन रिलीज आसन उन पर ट्राई किए गए तो शाहरुख काफी खुश हुए और उन्होंने अयंगर योगा की टेक्निक्स को काफी अप्रिशिएट भी किया। इसके बाद उन्होंने इस योगा के कई सेशंस अपने घर पर भी रखे। उन्हें शव आसन सबसे ज्यादा पसंद आया था। यहाँ तक कि इस योगा सेशन के दौरान वो कुछ मिनट के लिए सो भी गए थे। वैसे इसके अलावा इन दिनों शाहरुख अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अपनी आने वाली फिल्म जब हैरी मेट सेजल को प्रमोट करने में काफी बिजी हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।